डूइंग, शी इज परसुइंग, शी इज स्टडिंग, तो बन गई लाइन आपकी इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है इस एयर होस्टेस के लिए, ठीक है। वेरी गुड, क्लैप फॉर अदर। नेक्स्ट, हु वांट टू इंप्रूव देयर वीकनेस, कोई ऐसा जो अपनी कमी ढूंढना चाहे, तो हम बुलाएंगे हमारे फेवरेट पर्सन को, रजत को। आ जाओ रजत, हैज कम टू अस फॉर आईसीसी पीओ, राइट। रजत आईसीसी पीओ के लिए तुम हमारे पास, राइट। थोड़ा सा अब रजत मान लो मेरे को पेन दोगे अपना, मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं इंटरवल। यस सर। ओके सो रजत, रजत योर नेम, ओके, यू वांट टू गो फॉर एन इंटरव्यू ऑफ आईसीसी पीओ, राइट। एंड यू नो आईसीसी इज अ रेप्यूटेड बैंक एंड प्रोफेशनल ऑफिसर इटसेल्फ इज अ रेप्यूटेड जॉब। सो वी हैव टू थ्री ऑप्शंस। वन थिंग इज दैट दे मे आस्क यू व्हाट डज योर नेम मीन, एंड हियर वी हैव टू मीनिंग्स ऑफ योर नेम। रजत मींस चांदी, राइट मैडम, चांदी होता है सिल्वर। एंड सेकेंड इज रजत मींस करेजियस, राइट। सो सपोज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दिस एंड दे वुड आस्क यू टेल अबाउट योर मीनिंग ऑफ योर नेम, हाउ विल यू से, व्हाट यू विल से? My name meaning is courageous and I am very much similar to my name as I always hope for the best and I will develop myself for the best. And I want to shine in your organization like silver. Getting the point? Yesterday one person has come to us, Sudhir, I think. Yes, sir. His name means best friend. Smile. Right? Best friend as well as having patience. Smiling face. Symbol of smile as well as it means patience, right? So he can say I'm jovial person, I always don't like anybody to remain sad in my company and moreover I have lots of patience. Yani ke aapko apne ek naam tak simit nahi rehna chahiye, jab kabhi aap bataoge aap hamesha kya karoge to in moments karoge, right? Ab aapse dusra question, kyun? Kyunki aap bahut acche interview ke liye ja rahe ho aur bahut jaldi aapka interview hai, so you should prepare well, right? खड़े हो जाओ, ये जो पेन आपकी पॉकेट में डाल लो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। अब आप मुझे विश कर रहे हो और विश करने से पहले आपका जो पेन है वो फॉल हो गया, रख दो नीचे, राइट। अब आपको इस पेन को उठाना है, राइट। तो अब क्या करोगे, यानी कि ऑब्वियसली फोन पेन तो उठाओगे, हमें विश कर दिया वो तो आपने सीख लिया, दैट शी वाज डूइंग द गर्ल हु वाज टॉकिंग इन द क्लास, वो ऑलरेडी उसमें बात ये चीज सी थी। अब हमारा मोटो क्या है, ये जानना कि ये पिकअप कैसे होगा, राइट। तो ठीक है, अपना पेन पिक करिए, आपने मुझे विश करना, विश कर दीजिए पहले तो। थैंक यू सर। नहीं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। कोई बात, हेजिटेशन है कि नया नया बच्चा है, पहली बार उतरा है इंटरव्यू की दुनिया में, सारे तुम्हारे जैसे होते हैं, ठीक है। हाथों में माला नहीं फेरनी होती, हाथ स्टिल रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करते हाथों को, ठीक है। चलिए प्लीज यू कैन पिक योर पेन प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Okay, this was one way, right? ये एक तरीका है, okay? So now comes the turn, how to pick this pen. वापस इस पेन को रख दो। मेरे साथ इस पेन को उठाओ कि कभी भी कोई पेन गिर जाए तो कैसे उठाना है। हमेशा खुद बैठो पहले, अब इस चीज को उठाओ। कट कट बोलते तुम एक्सरसाइज नहीं करते इसके, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, इसको खुद बैठना है पहले, उसके बाद इसको उठाना है। बैठ के उठाओ। They don't warm up and they bend down suddenly without warming their body. Maybe to groom, maybe to do some other act. And suddenly what happens is spine is very delicate thing. Spine इतनी delicate होती है हमारी कि अगर हम needle भी उठा रहे हैं ना गलत तरीके से तो बहुत है। सिलेंडर उठाने की जरूरत नहीं है आपको आपकी स्पाइन में जर्क लाने के लिए, जर्क बोलते हैं इसको, और ये परमानेंट जर्क आ जाता है। फिर आप देखते हो कई बार
दिसंबर जनवरी में उनके पेन ज्यादा रहता है, गर्मियों में ठीक हो जाता है, सब उधर नोटिस किया होगा। तो ये हाँ रीजन यही होता है कि आप अपनी बॉडी को खराब। दूसरा, इट इज नॉट अ गुड पोस्चर, इट लुक्स मोर बेटर व्हेन यू सिट डाउन एंड देन यू स्टैंड, बिकॉज़ वी हैव डिफरेंट ड्रेसेस टू वेयर। प्लीज हैव अ सीट। वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। नहीं, एक्चुअली क्या है, जब आप इंटरव्यू बने हो ना, तो डिपेंड करता है कि इंटरव्यू तो नहीं चलता कहीं। फॉर एग्जांपल आपके लिए चेयर नहीं है, प्लीज डोंट टॉक। सपोज आपके लिए चेयर नहीं है, जैसे इनके इंटरव्यू में हो सकता है ऐसा, यूपीएससी इंटरव्यू में होता है ऐसा, जैसे आईएएस वगैरह में ज्यादा ऐसे छेड़ते हैं, चेयर नहीं दे रहे, टेबल लगी हुई है, इंटरव्यू कहते आ जाए, वो आता है। हाँ अच्छा अच्छा कहने का, हाँ हाँ चेयर लिया हो यार, फिर वो दबा सकते हैं। कहता सर आई एम हियर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आई एम हियर टू कंट्रोल, आई एम नॉट हियर फॉर दिस थिंग्स, देन वो देखना भी यही चाहते। नेक्स्ट पर्सन हु वुड लाइक टू कम, वन हैंड टू हैंड, एनी मोर गर्ल्स मैडम्स इधर, बच्चे इधर कोई, नो नॉट अगेन। नेक्स्ट पर्सन कम फास्ट गेट फास्ट, ओके कम फास्ट गेट फास्ट, कम ऑन। नेक्स्ट पर्सन यू कैन कम आउटसाइड, हेल्प हिम टू कम, सो यू आर विद मी फॉर आईसीएससी पीओ, इजंट इट, दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू क्रैक्ड, वेरी गुड। नाउ यू आर सपोज टू गिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ऑल्सो, बोथ राइट। सो वी वॉन्ट टू सी सम अदर थिंग इन यू, राइट। सो वुड लाइक टू हैव योर सीट, प्लीज हेल्प करके सीट, वट एवर वे यू वॉन्ट, वेरी गुड। तुमने गलतियां देखी मैडम की, अच्छे से सीखे, वेरी गुड, ओके। थोड़ा सा मेरी तरफ आइए, राइट, नाउ यू आर कंफर्टेबल, ओके। अब मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको ये कह रहा है कि यार सपोज तुम इस बार सिलेक्ट ना हो या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो, तो तुम क्या करोगे? वो ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैं चाहूंगा तुम अपनी तरफ से कुछ भी बोलो, क्योंकि अभी मैंने तुम इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया, राइट। तो माय क्वेश्चन इज, सपोज यू डोंट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम, व्हाट विल यू डू? सर देयर इज नो चांस टू डिस्क्वालीफाई मी, बिकॉज़ सर आई हैव नो प्रिपरेशन गारंटी सर, एंड आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस जॉब एंड आई एम रेडी टू डू दिस जॉब, दैट्स व्हाई सर देयर इज नो रीजन टू डिस्क्वालीफाई सर। वेरी गुड पॉइंट, यू ट्राइड योर बेस्ट, यस, बट मेन थिंग which I want to teach you is, but first I want to know where you learned this thing. आपने चीज कहाँ सीखी? कहीं से तो सीखी होगी कि inbuilt है, कहीं तो देखा होगा, किसी senior ने तो पढ़ाया होगा, किसी notes में, किसी video में तो देखा होगा। Yes sir, I have given some lot of interviews in college time campus, in campus also. Okay. I have got two MC jobs also in private sector, Lucknow, Gurgaon, and so GP jobs. Okay, see, it is just like the son of Arjun who learned something in the womb of his mother, or his mother, that how to enter for fight, right? वो इसमें चक्करियों में फंस गया था ना, तो चक्करियों में उसे जाना तो आता था मगर बाहर नहीं आना। आपने बिल्कुल स्टार्टिंग सही करी कि सर आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई गेट सिलेक्टेड, वंडरफुल थॉट, क्योंकि वो यही देखते हैं कि ये कॉन्फिडेंट कितना है, राइट, अपनी बात पर। देखो मैंने तुम्हें कहा नहीं होगा, तुम कह रहे हो ठीक है सर मैं ट्राई अगेन, राइट, तो ये तो गलत होगी बात, मगर अभी भी ये नॉलेज अधूरा है, इसको फुल करते हैं अपने कि देखो व्हेन इंटरव्यूअर विल से यू सपोज यू डोंट गेट सिलेक्टेड, राइट, अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है ये बताना कि मैं उस व्यक्ति को इंप्रेस कैसे करूं, राइट। नॉलेज तो तुम दिखा चुके हो रिटन टेस्ट में, राइट। अब जब तुम उसको बोलते हो कि देयर इज नो डाउट सर सिलेक्शन तो मेरा ये लिखा हुआ है, गारंटी सर इतिहास बताएगा मेरा सिलेक्शन है, आप कौन हो सर? मैं कौन हूं? लिखा हुआ है। जब इस तरीके की बात बोलोगे तो उसको थोड़ा सा सेल्फ लगेगा, राइट, मगर तुम तो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तुम जगह वैसा ही हो। तुम कॉन्फिडेंस दिखाने के बाद उसको वैल्यू दो, वो भी जरूरी है। कैसे? जब वो आपको बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन ना हो या मैं तुम्हें ना लू, तो आप बोलोगे सर I will definitely get selected because I am very confident that this time I am quite sure sir and I work very hard sir, right, but with a smiling face,
क्योंकि हमेशा ये मान के चलना उसके हाथ में है डोर तुम्हारी, तो तुम उसको एरोगेंस के साथ नहीं बोल सकते। उसके बाद उसकी बात को वैल्यू दो। अनफॉर्चुनेटली इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड दिस टाइम, सर अगर दुर्भाग्यवश अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो कम से कम एटलीस्ट आई वुड कम टू नो अबाउट माय वीकनेसेस, कम से कम मुझे अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम चलेगा। आई विल वर्क अपॉन इट एंड डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड इन माय नेक्स्ट इंटरव्यू सर। यानी कि आपने अपनी बात भी रख दी और उसकी बात को भी वैल्यू दे दी। उसकी बात को वैल्यू देना मत भूलना, यहां तुम गलती करो, क्योंकि तुमने अगर एक साइड रखा ना तो ये गलत हो जाएगा। आपको दोनों साइड बात रखनी है। हां मतलब हां, अदरवाइज व्हाट विल हैपन ही मे थिंक बड़ा ठीक है, बड़ा इसको लगता है ना, फिर देन ही विल आस्क, हां स्मार्ट होना है तो वो ही विल आस्क यू सम हार्ड क्वेश्चंस वेयर यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, और नई बात पूछोगे ना चल ठीक है फिर इसको दिखाता हूं मैं, राइट। तो ऐसा होने ही मत दे। और जो तुमने पहली बार बोली है कि आई एम कॉन्फिडेंट आई विल गेट सिलेक्टेड, वो स्माइलिंग फेस से देनी है। क्यों? क्योंकि ये शो करना है कि सर आप सीनियर हो, जो आप बोलोगे वो सही है। तो आपको बोलना है कि सर आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट सर दैट आई विल गेट सिलेक्टेड बिकॉज आई स्ट्रगल हार्ड सर फॉर दिस टाइम, बट सर अनफॉर्चुनेटली इफ आई फिर अपनी बोस की बात ऐसे। बट आया पॉइंट समझ में, पक्का आया, अप्लाई करोगे